देखो संसार में व्यक्ति क्यों दुखी रहता है, उसके तीन कारण हैं, शोक, भय और मोह। इन तीन के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। फिर से बोलूं, शोक, भय और मोह। अब इसे साधारण भाषा में समझ लें, शोक कहते हैं जो भूतकाल में व्यतीत हो गया, जो आपके जीवन में घटित हो चुका है। कभी आपने कभी जीवन में ऐसी कोई चीजें देखी, लोगों का अपमान सहा, लोगों ने आपको कष्ट दिया, आपके परिवार लोगों ने आपको कष्ट दिया, या कुछ ऐसी समस्या आपके जीवन में आई, कोई आपका प्रिय छूट गया, उसके लिए जो दुख है, जो बीत चुका है, उसके लिए जो शोक है, दुख है, उसके कारण व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो वहां से छूटेगा नहीं तब तक उसके मन में वर्तमान नहीं आ सकता, सुख नहीं आ सकता। और वर्तमान जो भी चल रहा है इसमें व्यक्ति मोह में है, जो है नहीं उसको मानकर बैठा है कि मेरा है, और भविष्य के भय में है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, ये नहीं मिला तो कैसे होगा, हमेशा भय में रहे। तो ये तीनों काल में व्यक्ति इन तीनों चीजों में जो लगे हुए हैं, कि भूतकाल के दुख में, वर्तमान में मोह में। मोह जानते हैं, सरल भाषा में बताऊं, आजकल बड़ा ट्रेंड में है मोह माया, पर मोह माया जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मोह होता है। मोह का अर्थ है जो है नहीं वो दिखे। अच्छा मैं आपको कहूं, क्या आपको संसार दिखता है? संसार है, हमारे शास्त्र कहते हैं संसार झूठा है, भगवान ही सत्य हैं, जगन मिथ्या, शंकराचार्य जी का तो ये वाक्य है कि सत्य केवल ब्रह्म है और जगन मिथ्या है, जगत केवल झूठा है और भगवान ही सच्चे हैं। अच्छा आप सच्ची सच्ची बताओ, आपको जगत झूठा लगता है या सच्चा लगता है? भैया आप बताओ क्या लगता है, झूठा लगता है सच्चा लगता है? हाँ आपको क्या लगता है भैया, जगत झूठा है या सच्चा है? सच्चा है, झूठा है? ईश्वर सच्चे हैं। जगत का पूछ रही हूं, जगत कैसा लगता है आपको? झूठा लगता है, जैसा शास्त्र कहते हैं जगत असत्य है, जगत झूठा है, केवल भगवान सच्चे हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर जगत झूठा होता तो ये कथा भी झूठी होगी, क्योंकि यह कथा कहने वाली वक्ता के रूप में मैं हूं, तो मैं दिखाई पड़ रही हूं ना, ये झूठ तो नहीं चल रहा है। भगवान की कथा आप भी सुन रहे हैं, मैं भी कह रही हूं या सुन रही हूं, आप भी बैठे मेरे नजदीक, सारा संसार आपको दिखाई पड़ता है, परिवार दिखाई पड़ता है, पति पत्नी बच्चे सब दिखाई पड़ते हैं, माता पिता रिश्तेदार, क्या ये झूठे हैं? सब दिखाई पड़ते हैं, आंखों से आप देखते हैं, हर चीज महसूस करते हैं, सब सच है। तो फिर शास्त्र क्यों कहते हैं ये झूठे हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं। आज जो चीज आपके समक्ष है ये हमेशा एक सी नहीं रहेगी, संसार परिवर्तनशील है, हर समय बदलेगा। आज जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास है कि ये कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो कुछ समय बाद बदल जाएगा, और वो बदलेगा तो आपको कष्ट होगा, दुख होगा। जो है नहीं उसको मान के चलना, मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको मरना है, लेकिन हम सभी ऐसा सोच के चलते हैं, अरे अभी तो मेरा बहुत जीवन है, कोई मर के जा रहा हो, किसी की अर्थी निकल रही हो, तो कभी मन में ख्याल नहीं आता एक दिन हमारी भी दशा वैसी होगी, लगता है जड़ी बूटी तो हम ही पी कर आए महाराज, हमें क्या ही होना है, ऐसा ही होता है। कोई मर जाए लोग जाएंगे, उसके साथ साथ जाएंगे, चार बुराई करते जा रहे हैं, चार अच्छाई करते जाएंगे, और शमशान तक पहुंचते ही थोड़ी देर हो जाए तो लोग ही चिल्ला पड़ेंगे, अरे भैया कब दाग लगाओगे, कब मिट्टी को जलाओगे, बहुत हो गया, अब टाइम करो, जल्दी करो,
कई तो इतने आतुर होते हैं कि वहीं पर जब समय नहीं दिखता कि अभी बहुत टाइम लगेगा तो अपनी बाइकों को ही गंगा जी में धोने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं। और कई लोग महाराज वहां से ही लौट के आधी दूर से चले आते हैं, स्नान करते हैं, दो चार बाल्टी पानी डालते हैं, जब जा रहे होते हैं रास्ते भर में लेकर के अर्थी को, तब तो पूरे ऊपर से नीचे तक गीता जी उतर जाती है, एक दिन हम भी जाएंगे, क्या लेके गया, सब छोड़ गया, एक दिन अपने साथ भी होना, अब सब काम एक नंबर के करेंगे, कोई दो नंबर का काम नहीं होगा। लेकिन घर में दो चार बाल्टी पानी डालते ही सब गीता जी उतर गई मेरे, तुरंत की तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे बताओ अभी मरना था, शाम का हो जाता, कल देख लेते, आज मेरा इतना जल्दी बहुत अत्यधिक काम था, अटक के रह गया, बताओ दुकान जल्दी खोलनी थी, अब बताइए इनको क्या कहेंगे। सबको लगता है कि हमारी तो कभी मृत्यु होने वाली नहीं, ये क्या है, मोह है, जो है जो होना है वो दिखाई नहीं पड़ता। संसार बदलने वाला है इसलिए भरोसा करने लायक नहीं है, भगवान कभी बदलते नहीं है इसलिए भरोसा करने लायक है, जैसे हैं वैसे ही यथावत हैं, लेकिन संसार बदल जाएगा। आज आपने जो कुछ खाया है वो अगले दिन नहीं रहेगा, ये जो शरीर है अभी दिख रहा है आने वाले 10 वर्षों में वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। ये जो एक वस्त्र आपने पहने हैं 4 महीने बाद ये सब खत्म हो जाएंगे, एक नया धारण करना पड़ेगा। हर एक चीज संसार की बदल रही है, इसलिए कहा संसार खिसकने वाला है, जो सर के उसका नाम संसार है, इसलिए महादेव के गले में पड़े हुए नाग काल का रूप है, खिसक रहा है, अर्थ है सरक रहा है, जो सर के परिवर्तन हो जाए उसी का नाम संसार है। तो संसार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और जिन्होंने भी संसार के ऊपर भरोसा रख करके सुख की चाह की है कि ये लोग मुझे सुखी रखेंगे, मेरे सुख के भरोसे ये हैं, उन्हें हमेशा जीवन में दुख मिला है। और जिन्होंने अपना भरोसा अपने सुख की नींव भगवान के भरोसे पे रखी होगी, संसार कुछ भी करे बदले चाहे कुछ भी करे, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, उसको दुख में भी सुख की प्राप्ति हुई है, उसके सुख हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत हो गए। इसलिए वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कैसा जीवन चाहिए। मोह इसी को कहते हैं, मोह का अर्थ है जो है नहीं लेकिन वैसा दिखाई पड़ रहा है। आज आप देखिए, आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग आपको मानेंगे, लेकिन आप गलत व्यवहार कर दें तो चाहे कितने भी पवित्र अच्छे प्यारे रिश्ते हों बिगड़ जाएंगे। अभी माता पिता आपको बहुत अत्यधिक प्रेम दे रहे हैं, आप उनके विपरीत काम कर दीजिए, अभी आपको कह देंगे दुश्मन पैदा हुआ है, अरे बेटा क्या हुआ है, बेकार पैदा हुआ है। पत्नी जब तक पति के अनुसार चल रही है तब तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस दिन उसने विरोध काम कर दिया उसी दिन पति का मन पत्नी से हट जाएगा, ये सत्य है। और जो आज आपके पास सगे संबंधी प्रिय बन करके आपको लगता है कि ये कभी ऐसे नहीं बदल सकते, कभी बदल सकते हैं, इसलिए कहा कि भैया संसार बदलने वाला है इसलिए भरोसा करने लायक नहीं है। तो ये जो मोह बना है हमारे हृदय के अंदर कि जो है ऐसा ही रहेगा, ये कभी भी बदल सकता है और बदलना ही है। और जो भगवान पे भरोसा कर लेता है वो मोह से दूर हो जाता है कि उसे पता होता है ये सब कुछ बदलेगा, परिवर्तनशील है संसार में, लेकिन भगवान पे भरोसा है तो कहीं भी, जिसने मुझे संसार से जोड़ा, अरे कौन से परिवार रिश्तेदार सब मेरे साथ ही आए थे, कौन सा धन मेरे साथ आया था, कौन सी जमीन जायदाद मेरे साथ आई थी, आपको पता था क्या कि आप इस गांव में जन्म लेंगे या इस हमारी बिहार की धरती पे जन्म लेंगे, इन माता पिता के यहां जाओगे, ये जमीन जायदाद वाले बनोगे, इतना धन मिलेगा, इतनी पढ़ाई मिलेगी, इतनी आयु मिलेगी, पता था?
क्या किसी शोरूम में आपको भेजा गया था कि देखो तुम्हारा जन्म होने वाला है तो जैसी जैसी आंख नाक कान चाहिए वो सब पसंद कर लो? भेजा था? नहीं भेजा। भेजा होता तो बढ़िया बढ़िया छाट छाट करके अपनी अपनी मदद तय करते कि नहीं ये वाली आनी चाहिए, ये वाली मिलनी चाहिए, पर ये कोई व्यवस्था नहीं बनाई। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने संसार से आपका संबंध जोड़ दिया? ये तुम्हारे माता पिता, ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब तुम्हें ये इतना इतना इस गांव में, इस जगह पर, इस घर के अंदर तुम्हारा जन्म होगा। अभी आप संसार से जुड़े ही हैं, परिवार अच्छा बल्ला चल रहा, अचानक किसी ने डोरी खींच ली। कौन है जो जोड़ने वाला है, कौन है जो तोड़ने वाला है? क्या आपको सब कुछ जंजाल छोड़कर हाथों हाथ निकलना पड़ता है? तो इतना विश्वास नहीं, जिसने संसार में भेजा है उसी के साथ हमारा सच्चा संबंध है। तो जो जो कर्तव्य हमें दिए वो निभाएं, लेकिन मन में ये जानकर रखें कि ये सब एक ना एक दिन बदलेगा। जिससे हमारा पक्का संबंध है, पक्का रिश्ता है, जिससे हम आए हैं, जिसके यहां जाना है, अगर विषम परिस्थिति कभी पड़ भी जाए तो एक बार संसार हाथ छोड़ भी दे तो चलेगा, किंतु भगवान का यदि पक्का भरोसा है, उनके ऊपर मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपना ध्यान उनकी ओर लगाया हुआ है और उनकी दृष्टि मेरे ऊपर है, तो संसार एक तरफ और भगवान की कृपा एक तरफ, बालवा का नहीं हो सकता।